अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रावल रियाज और आप देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स। ये तो जैसा कि रिसेंटली मैंने आपको एक अर्निंग ऐप दी थी, उसका ट्यूटोरियल दिया था मैंने, थोड़ा सा आपको गाइड भी किया था कि कैसे आप अर्निंग ऐप बना सकते हैं, जिससे आपको कोई ना एडमो पे आपको कोई इशू आए और ना ही यूज़र को कोई उसका नुकसान हो, मतलब एक प्रॉपर प्रोफेशनल एक ये फाइल थी जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो उससे कि एक एडमन ऐप भी है जहाँ पर आपको आप जो है यहाँ से न्यूज़ ऐप ही अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर जो आप विड्रॉ रिक्वेस्ट भी देख सकते हैं जो भी आपको यूज़र सेंड करेगा। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। हमारे पास सप्लायर स्क्रीन है, उसके बाद देखें यहाँ पे एक अपडेट न्यूज़ है और यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी है। इसके अलावा विड्रॉ रिक्वेस्ट पे देखें तो ये देखें यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट आई। पहले हम अपडेट न्यूज़ को देख लेते हैं। सेलेक्ट कैटेगरी है यहाँ पर, ये स्पिनर है। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी जो भी होंगी आपकी वो यहाँ पर लोड हो रही हैं। पहले तो हमने मैनुअल ऐड की थी, इससे लास्ट जो थी मेरी न्यूज़ ऐप, इसमें जो है ये ए टेबल से सारी कैटेगरीज को गेट कर रहा है। देन सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन है, उसी तरह से टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है और फिर अपडेट न्यूज़ का। इसमें एक और चीज़ भी मैंने ऐड कर दी है कि जैसे कि सिर्फ ए टेबल जो है इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा था, इसके अलावा किसी और को नहीं कर रहा था। तो इसमें ऐसा भी कोई इशू नहीं है, इसमें जो भी आप लैंग्वेज करेंगे वो भी इसमें अपलोड हो जाएगी और आपकी ऐप में शो भी होगी। सो अब यहाँ पर अगर विड्रॉ रिक्वेस्ट पर हैं, देखिए अभी फिलहाल एक रिक्वेस्ट आई हुई है। सो जब ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे पूरी लिस्ट में शो होने लग जाएंगी। अब जैसा कि ये देखें, इसका एक तो टाइटल आ रहा है, उसका नेम आ रहा है, उसके बाद नीचे विड्रॉ पॉइंट्स आपको लिखे हुए हैं कितने उसने विड्रॉ की रिक्वेस्ट भेजी है, और एक जो आगे बटन दिया गया, बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखें इसकी कंप्लीट डिटेल आ गई है। नेम, पेमेंट ड्रॉप मेथड कौन सा है वो उसने लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेपाल करते हैं तो यहाँ ईमेल आएगी, जैसा कि इन्होंने बी कैश किया हुआ है, बांग्लादेश से हैं ये। सो इनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है आई थिंक, या मोबाइल नंबर, या उसकी बी कैश की आईडी होगी। इसके अलावा पेमेंट मेथड नीचे आ रहा है और सबसे नीचे जो है विड्रॉ पॉइंट्स जो कि 100 लिखा हुआ है। सो ये बहुत इजी रहता है, बजाय कि आप बार बार ए टेबल पर जाएँ तो यहाँ पे एडमिन ऐप में आपको हर चीज़ आपकी डिटेल मिल जाती है और यहीं से आप न्यूज़ भी अपडेट कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। जी तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले सप्लाई स्क्रीन है मेरे पास, ठीक है, और इसको फिलहाल हम इनविजिबल कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे एयर टेबल में। लास्ट टाइम आपको मैं एयर टेबल दिखाना भूल गया था ताकि वीडियो लेंथी ना हो, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि एयर टेबल कैसे यहाँ पे लिंक किया और कैसे काम कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले टास्क का एक टेबल है, यहाँ पर देखें इंप्रेशन है, क्लिक्स लिखा और नोटिफिकेशन। इंप्रेशन और क्लिक्स जो है आप यहाँ से इसको अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, और इसके आगे आप लिख भी रहे हैं कि आपने एक इंप्रेशन में कितने पॉइंट देने हैं और क्लिक्स पे आपने कितने पॉइंट देने हैं। इसके अलावा ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन जो है आपकी ऐप में आ रहा होता है यहाँ से, अगर आपने कोई नई चीज़ अपडेट करनी है या कुछ नया उसमें चेंजेस किए हैं या आपने ऐप अपडेट की है प्ले स्टोर में, सो आप जो है उसका नोटिफिकेशन यहाँ से अपडेट कर सकते हैं जो कि आपकी ऐप में ईजिली शो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो है कैटेगरीज हैं जो कि आप देख रहे थे कि वहाँ पर स्पिनर में सब शो हो रही थी, वो यहीं पर कैटेगरी से यहाँ से हमने लिए हैं, तो ऐसा नहीं कि वहाँ मैनुअल ऐड की। ये भी आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे उसमें ऐड करनी है। इसके अलावा यहाँ पे ये कैश का टेबल दिया गया है। सो कैश के टेबल में ये है कि हमारी यहाँ पे जितने भी विड्रॉ रिक्वेस्ट थी, विड्रॉ रिक्वेस्ट यहाँ पे आपकी आएंगी सारी, तो विड्रॉ रिक्वेस्ट जो यहाँ पर आएंगी और यहीं से वो आपका डाटा सारा ले रहा था और जो कि वहाँ पर आपको शो कर रहा है। इसके अलावा सेम वही रिसेंट स्क्रीन और इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। अगर आपने मेरी न्यूज़ ऐप नहीं देखी तो आपको मैं यहाँ दोबारा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर टाइटल है और टाइटल के अलावा यहाँ पर इमेज है, न्यूज़ है और डेट है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये सारी कोडिंग फॉर्म में जो टेक्स्ट पढ़ा हुआ है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो आपने अपलोड की हो जिस लैंग्वेज में वही आ रही हो, क्योंकि यहाँ पर ये उसको टेक्स्ट को पहले डिकोड करता है, उसके बाद इसको इनकोड करता है, तो यहाँ पे फिर इसको शो कर देता है। सो इस पर घबराने की बात नहीं है, ये जैसा आप टेक्स्ट अपलोड करेंगे ये वैसा ही आपकी ऐप में जो है शो हो जाएगा। इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो जो आप ऐड करना चाहें यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ये सब में सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। तो ए टेबल में यही था और अब चलते हैं अपने यहाँ पे मेन ऐप की तरफ, एडमिन ऐप की तरफ। इसको मैं फिलहाल इनविजिबल कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है मैं मेन स्क्रीन को विजिबल कर रहा हूँ। सो विजिबल मैंने इसको कर दी। यहाँ पर अब मेरे पास एक अरेंजमेंट है, ठीक है, वर्टिकल अरेंजमेंट। इसमें मैंने लिया हुआ वेब पेज जो कि यहाँ से ये वाला आप ले सकते हैं। इसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है टाइप स्वाइप की, तो ये वही मैंने यूज़ किया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक अरेंजमेंट है,
जो कि है न्यूज़ अपडेट वाली, उसके बाद ये वाली अरेंजमेंट जो है ये हमारी यहाँ पे विड्रॉ रिक्वेस्ट, विड्रॉ स्क्रीन के नाम से विड्रॉ रिक्वेस्ट हमारी यहाँ पे शो हो रही थी। तो जब भी पेज व्यू लगाएं तो आपने किसी को भी यहाँ पे अरेंजमेंट को हाइड नहीं करना, स्वाइप के लिए दोनों को विजिबल रखना, दो हों या तीन हों। इसके अलावा यहाँ पे एक व्यू स्क्रीन है, व्यू स्क्रीन वही है जहाँ पे आपकी जब व्यू आप क्लिक कर रहे थे जिसने आपको रिक्वेस्ट भेजी थी विड्रॉ की, उसका डाटा जो है यहाँ पे शो हो रहा था। तो उसके अलावा ये हमारे पास स्प्रेडशीट है, ठीक है। इसके अलावा क्लाउडनरी है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। न्यूज़ ऐप आप डिटेल से देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ समझ आ जाएगी। मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। अच्छा, पहले बता देता हूँ आपको कि आपने ए टेबल से अपनी कैटेगरीज नेम कैसे लेनी है, ठीक है। सो उसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखें कैटेगरी। व्हेन जब स्क्रीन इनिशियलाइज हुई यहाँ पे, पहले तो उसने चेक किया इंटरनेट है या नहीं। जब इंटरनेट था तो उसने ये कैटेगरी वाले से, न्यूज़ कैटेगरी से वहाँ से डाटा कॉल किया। जब उसने वो डाटा कॉल कर लिया तो यहाँ से स्पिनर वाला जो था उसको मैंने कर दिया ये वाला सेट स्पिनर्स एलिमेंट्स टू गेट वैल्यू, जो भी वैल्यू उसने लिया उसको यहाँ पर ये शो कर दे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अब देखें, ये अपने डिफरेंट वेरिएबल्स लिए हैं जो कि हम इस वाली स्क्रीन से, कैश वाली जो कि टास्क वाली स्क्रीन है, इससे हम ये वैल्यू कॉल कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट कॉलम है हमारे पास, ठीक है। तो ये उसी के लिए मैंने बनाई, इसी से मैंने वैल्यू कॉल की हुई यहाँ पे 1 by 1, ठीक है। और यहाँ पे ये बटन क्लिक है यहाँ पे न्यूज़ अपडेट करने के लिए, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट अगर हमारा एमपीटी होगा यहाँ पे अलर्ट शो कर देगा। इस टेक्स्ट टू जो डिस्क्रिप्शन वाला वो एमपीटी होगा तब भी यहाँ शो कर देगा। और अगर दोनों एमपीटी नहीं होंगे तो ये फिर पहले चेक करेगा इंटरनेट के, जब इंटरनेट होगा तो तब जो है ये यहाँ पे आपकी न्यूज़ अपडेट कर देगा। यहाँ पे मैंने दो चीज़ें की हुई हैं, एक तो देखा होगा आपने रिसेंट न्यूज़ है और एक दूसरी जो आपकी कैटेगरीज है। तो यहाँ पे एक ही क्लिक से जो आपकी दोनों रिसेंट में भी और कैटेगरी जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसमें जो आपकी ऐप सॉरी न्यूज़ जो आपकी अपडेट सेम टैक्स के साथ सेम के साथ अपडेट हो जाएगी। और जब अपडेट हो रही तो ये आपके यहाँ पे उन जो भी आपके टैक्स पर उनको इम्पटी कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं कि विड्रॉ रिक्वेस्ट कैसे आ रही है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है कि यहाँ पे मैंने डिफरेंट वेरिएबल्स लिए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये स्प्रेडशीट वैन जब वहाँ से कॉल कर रहा है इमेज को, ठीक है, वैन इमेज गोट ऐसे स्प्रेडशीट वन गोट वैल्यू, तो ये इमेज वाले वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर कर रहा है। इसी तरह टू वाले से हम उसका नेम ले रहे हैं, तो जब टू की वैल्यू कॉल कर रहे हैं वैन टू गोट कॉल हम, तो उसकी वैल्यू हम नेम वाले में स्टोर करें। इस तरह से जब थ्री वाले से कॉल कर रहे हैं, थ्री वाले से हम पॉइंट्स ले रहे हैं, तो जो पॉइंट्स ले लेगा तो उसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसके अलावा क्वालिटी लिस्ट वेव की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो फिर दोबारा यहाँ बता देता हूँ मैं। यहाँ पे देखें हमने क्वालिटी लिस्ट वेव को अरेंजमेंट दे दी, वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट मैंने ली हुई थी जहाँ पे उसको मैं शो कर रहा था, उसको मैंने रीनेम किया होता उसको मैंने यहाँ पे दे दिया। इसके अलावा इनिशियलाइज लोकल लिस्ट बनाई हमने एक इम्पटी से। इसके अलावा यहाँ पे हमने फॉर ईच फ्रॉम 1 by 1 जहाँ से वैल्यूज़ कॉल की, और लेंथ ऑफ लिस्ट क्या थी जो भी इसने वैल्यू कॉल की हुई थी। जैसा कि एक ही वैल्यू थी तो वहाँ पे उसने एक ही वैल्यू शो कर दिया, और हमने लिस्ट को लेंथ भी एक ही उसके जरिए बताई। अगर मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी तो वो यहाँ से उतनी इसकी लिस्ट बनेगी। इसके अलावा सेम उस तरह फिर आप मेक एड आइटम टू लिस्ट वाला ब्लॉक लेंगे, फिर मेक लिस्ट, ये सारे ब्लॉक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आपको मैं यहाँ से दिखाना चाहूँ, ये देखिए ऐड आइटम मेक अ लिस्ट ब्लॉक, ठीक है, और ये लेंथ ऑफ लिस्ट ब्लॉक है। इसके अलावा ये सेलेक्ट लिस्ट आइटम लिस्ट इंडेक्स ये वाला ब्लॉक। पहले लिस्ट में हमेशा आप इमेज वाला लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद टाइटल वाला लगाएंगे, और थर्ड पर जो आप सब टाइटल लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जब ये आप यहाँ पर लिस्ट बना लेंगे, ठीक है, और अब आपने देखिए ऐड आइटम टू लिस्ट, ये जो लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई थी इम्पटी, उसी लिस्ट में ये आइटम्स को मैं ऐड कर रहा हूँ। सो यहाँ पर क्वालिटी लिस्ट भी हम देख लेते हैं ये वाला। इसके बाद जो है आपने ये वाला क्वालिटी लिस्ट व्यू और सेट लिस्ट वाला ब्लॉक भी जो है आपने इसी में से ही लेना है, क्वालिटी लिस्ट व्यू में से। सॉरी यहाँ फिलहाल ओपन नहीं हो रहा, सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया। खैर, आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा, जो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई थी लिस्ट व्यू पे वो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम लोगों को आ रही होती है कि जब हम क्लिक करते हैं तो मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे शो करवाएँ। देखिए, मैंने वेरिएबल बनाए और हर वैल्यू जो है मैंने वेरिएबल में शो कर दी। अब यहाँ पे जब आपने ले लेना है वैन एलिमेंट क्लिक या वन आइकन क्लिक, ये क्वालिटी लिस्ट में आपको ब्लॉक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जब यहाँ पे क्लिक हो रहा हो
तो जहाँ पे आपने वैल्यू शो करवानी हो आपने वो पहले यहाँ पे वो लेना है। फॉर एग्जांपल मैं सेट इमेज, ये इमेज मैंने दी हुई थी यहाँ पे, और आपको मैं दिखाऊँ वेव स्क्रीन में ये वाली इमेज जहाँ पे आपको इमेज शो हो रही थी, तो मैंने क्या कर दिया सेट इमेज पिक्चर टू, क्या किया यहाँ से ये वाला ब्लॉक ले लिया क्योंकि मैंने लिस्ट बनाई हुई थी, ठीक है, और मैंने अब स्पेसिफिक वैल्यू ही शो करवानी, तो यहाँ से मैंने ये ब्लॉक लिया है सेलेक्ट लिस्ट आइटम लिस्ट इंडेक्स। ठीक है, लिस्ट मेरे पास कौन थी ग्लोबल इमेज वाली, और ग्लोबल इंडेक्स, इंडेक्स हमें ये यहाँ से खुद ही लिस्ट दे रही है। ग्लोबल इंडेक्स आप समझ लिया कि नंबर है, फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट है उसमें 100 तक नंबर है, तो आप जिस पे अभी क्लिक करेंगे तो ये एलिमेंट इंडेक्स यानी कि ये नंबर आपको यहाँ पे वो दे देगा। तो आप इस लिस्ट में से ये वाला जो एलिमेंट नंबर उसने दिया है वो वैल्यू आप यहाँ से लेके इस पर शो करा सकते हैं। इसी तरह लेबल को भी मैंने किया हुआ नेम वाला, कि नेम वाले जो लिस्ट यहाँ पे शो हुई थी, यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ दोबारा से, देखिए इमेज स्टोर हुआ है ये, इसमें नेम स्टोर हुआ है ये 5 स्टोर में, ठीक है, और इसी तरह से जो है यहाँ पे ये सबके मोबाइल, उसका मोबाइल लेबल यानी कि मोबाइल नंबर क्या है, पेमेंट मेथड क्या है उसका, पॉइंट्स कितने विड्रॉ करवाए उसने, सब कुछ यहाँ शो हो रहा है। उसके बाद ये मेन स्क्रीन को इनविजिबल करके वेब स्क्रीन को विजिबल कर रहा है। तो यही था सिंपल सा ट्यूटोरियल, इसका होपफुली आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। सो नई वीडियो आने तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।